मिस्टर जॉर्ज फ्रॉम बट कंटिन्यू टॉकिंग। यह बात सुनकर मिस्टर जॉर्ज को अपने बारे में बात सुनकर उन्होंने अपनी आंखें एकदम से चढ़ा ली, आईब्रोज चढ़ा ली, लेकिन फिर भी बात करना उन्होंने कंटिन्यू रखा। टेल मी देन व्हाट इज योर मदर डूइंग। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मदर इस समय क्या कर रही है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम। शी इज बेकिंग द ब्रेड ऑलरेडी किचन, रिप्लाई टॉम। टॉम ने कहा कि वह इस समय रोटियां बना रही हैं जो कि पहले से ही खाई जा चुकी हैं। द लैंडलॉर्ड वॉज लुकिंग कंफ्यूज। तो जो जमींदार था मिस्टर जॉर्ज वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। द लैंडलॉर्ड वॉज लुकिंग कंफ्यूज। लैंडलॉर्ड जो था वह कंफ्यूज हो गया। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, कि आज तक उसने टॉम से पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है। वेल सर, ठीक है सर, माई मदर हैड बोरोड अ लिटिल फ्लोर फ्रॉम द नेबर्स टू फीड अस ऑल। मेरी जो मदर है वह हमारे पड़ोसियों से, नेबर्स मीन्स पड़ोसियों से, कुछ आटा, थोड़ा आटा, फ्लोर मतलब आटा, और बोरोड मतलब उधार लेकर आना। माई मदर हैड बोरोड अ लिटिल फ्लोर फ्रॉम द नेबर्स टू फीड अस ऑल। हम सभी को भोजन कराने के लिए मेरी जो मदर है वह पड़ोसियों से कुछ आटा उधार लेकर आए। Now she is baking some bread in order to give them to the neighbors. और उसने कुछ चपातियाँ पकाकर पड़ोसियों को देने का वादा किया। As the bread are baked, और जैसे ही रोटियाँ पक गई, she shall go and borrow some more flour from someone else to feed my father so that he may work on foolish Mr. George's field. तो उसके बाद में उसने फिर दूसरे पड़ोसियों से आटा उधार लेकर आई और उसमें से खाना पकाया और मुझे और मेरे पिताजी को खिलाया ताकि हम उस मूर्ख जमींदार मिस्टर जॉर्ज के खेत में काम कर सकें। मिस्टर जॉर्ज गेव टॉम एन एंग्री लुक एंड थॉट टू हिमसेल्फ। मिस्टर जॉर्ज ने गुस्से से टॉम की तरफ देखा और फिर सोचा, आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। You just wait, तुम सिर्फ इंतजार करो। You shepherd, डरिए। How dare you speak ill of me on my face? तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ही सामने, मेरे ही बारे में इतनी बुरी बातें कैसे कर सकते हो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मिस्टर जॉर्ज है वह गुस्से से टॉम को कुछ समझा रहे हैं। He turned to Tom and said, वह टॉम की तरफ मुड़ा और टॉम से कहा, Do you know I am the landlord? क्या तुम्हें पता है कि मैं खुद जमींदार हूँ? Come to my house tomorrow and I shall take care of all your worries. तुम कल मेरे पास आओ, मेरे घर पर आओ और मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। Saying this, he rode away. The lad was scared. यह कहकर वह रोड पर बहुत दूर चला गया और द लैंड लैंड मतलब लड़का जो टॉम था वह बहुत भयभीत हो गया, क्योंकि उसे पता था कि लैंडलॉर्ड एक बुरा आदमी है और वह कल उसको घर पर बुलाकर सजा देगा। ओह माय गॉड, अरे मेरे ईश्वर, व्हाट हैव आई डन, यह मैंने क्या कर दिया। व्हाट शैल हैपन टुमारो, थॉट टॉम, कल क्या होगा, यह टॉम ने सोचना शुरू किया। तो बच्चों, ये था हमारा आज के पीरियड का द क्लचेस ऑफ द लैंडलॉर्ड का पार्ट वन। हम कल इसके आगे पार्ट टू समझेंगे कि इस स्टोरी में टॉम के साथ क्या होता है। तब तक आप ये जो अंडरलाइन के वर्ड हैं इनका मीनिंग समझिए और इन्हें अपनी रफ कॉपी में दो दो बार लिखकर होमवर्क के तौर पर हमें फिर से सेंड कीजिए।